और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय सुमित की जितनी बेइज्जती होती हुई नजर आ रही है, सुमित ने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय सुमित को इतना ज्यादा खरी खोटी सुनने को मिल रही है। और खरी खोटी सुनाने वाला शख्स कोई और नहीं है, बल्कि इस समय सबसे बड़ी शख्सियत जो रही है वो रही है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं, जो कि इस समय इस्लोक की मॉम, क्योंकि दोस्तों इस्लोक की मॉम जो हैं वो इस समय पूर्ण रूप से कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीका से मैं इस समय इन लोगों को महसूस भी नहीं होने दूँ कि मैं किस तरीका से आखिरकार पूरा गेम खेल रही हूँ। क्योंकि दोस्तों गेम खेलने के लिए कोई इतनी गंदी साजिश रच सकता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय सब लोग चिंतित हैं कि आखिरकार वो ही इस्लोक है कि जिसने सुमित के साथ में फेरे लिए थे, लेकिन उस समय किसी ने इस्लोक को देखा नहीं था, बल्कि खाली सुमित ने ही देखा था इस्लोक को। लेकिन दोस्तों इस समय इस्लोक को पहले ही बोल दिया गया है, और इस्लोक को इस तरीका से बोला गया है कि अगर तुम सुमित से कोई भी किसी भी तरीका की सच्चाई खोलते हो या सुमित को अपने घर पर रखते हो तो तुम्हारा हम बहुत बुरा हाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सब उनने बहुत पहले ही बोल दिया था। इसलिए इस्लोक अब वो ही कर रहा है जो शगुन और साथ में इस समय रौनक बोल रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा दुख भी हो रहा है इस्लोक को, लेकिन इस्लोक करे तो करे क्या, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहानी एक नहीं बल्कि इस समय बहुत ही बड़े ट्विस्ट के साथ में पहुंच चुकी है, जहां पर सभी लोग कन्फ्यूजन और कसम-कस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नई कहानी देखने को मिलेगी, जिसके लिए दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा। गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को वाकई में इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद।